वाटर कार्ड बना है कि नहीं? नहीं बना है। गुआ डैम का हाँ। जेबी केसेस का बहुत नाम सुन रहा हम लोग, जयराम महतो उसका नेता है। लोकल आदमी का किसी को कोई नौकरी में नहीं है। हाँ ठीक है, लोग ठेकेदारी में खट रहा है। हाँ। में बाजार में पूछिए कितना आदमी यहाँ नौकरी करता है, स्थायी नौकरी परमानेंट। कंपनी में जाएगा, दो दिन काम कराएगा, बोलेगा अभी काम नहीं है, जाकर बैठो। और उन्हें क्या बोल के कंपनी में काम कर रहा था, दो दिन गया, चार दिन में बोलता बाबू अभी काम नहीं, बैठो। जैसे कि राम मंदिर भी बनाए, ये तो अभी पता नहीं है। पता नहीं है, मोदी जी के नाम से वोट डालिएगा। नमस्कार, जोहार, मसाल न्यूज में आप सभी झारखंड वासियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरायकेला जिला का ये मिरूड मार्केट है जहां हम लोग उपस्थित हैं। जो है लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसके बारे में सर्वे करने आए हैं, लोगों से जानना चाह रहे हैं कि वो इस बार किसको दिल्ली का गद्दी सौंपना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा चीज़ देखिए कि यहाँ एक मछली मिला है। कितना केजी का है दादा? 20 केजी का है। कितना मछली है और आसपास का ही है ना? ये कहाँ का? गुआ डैम का। हाँ अच्छा। ये जो है कैसे केजी बेच रहे हैं? 250-300। अभी तक तो कोई खरीदार नहीं मिला? खरीदार तो मिला है, अभी कटना बाकी है। अच्छा, तो दोस्तों ये मज़ेदार चीज़ यहाँ मिलता है खाने पीने के लिए। एक तो आप मछली देखे हैं, दादा से थोड़ा सा बात करेंगे। दादा थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरि हेम्ब्रम है। हरि हेम्ब्रम, अच्छा। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो किसको जिताना चाहेंगे आप लोग? यहाँ जोआ माझी कैंडिडेट है और गीता कोड़ा है। जोआ माझी है जेएमएम से, गीता कोड़ा है बीजेपी से, पहले कांग्रेस में थी। अभी कुछ दिनों में कॉन्टेस्ट होगा, लड़ाई होगा, तो आप लोग का किसका तरफ वोट जाएगा? जोआ माझी। हाँ, जोआ माझी को कभी देखे हैं कि नहीं? एकदम देखे हैं। काम करेगी। चलिए आप बोलिए दादा। वो जो ही दादा बोले वही करेंगे। अच्छा, हम लोग ही लोकल आदमी हैं। कुछ बताइए, जेएमएम में है ना, तो जेएमएम का कुछ काम एक दो बताइए। काम तो अच्छा झारखंड में हुआ है। काम तो अच्छा होगा, होगा भी आगे भी होगा। अच्छा होगा। हाँ, तो यहाँ कुछ समस्या है उसके बारे में बोलिए। समस्या ऐसा कुछ है नहीं सर, हम लोग नेता लोग तो सुनेगा ना। तो सर हाँ, तो उसको सुनाना है, इधर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का चंपसरण जी हम लोग का ट्रांसफार्मर लगा दिए ना, दो केवी का फिर खम्बा भी तार भी लगाएंगे। अच्छा, भाई दा आते हैं इधर? हाँ आते हैं। अच्छा अच्छा, आइए दादा। आप किधर रहते हैं? बगल में रहते हैं। पूरा चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, और इधर 13 मई को वोटिंग डाला जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, गीता कोड़ा जो पहले कांग्रेस से बीजेपी में चली गई है, और एक जोबा माझी है जेएमएम से, विधायक अभी मनोहरपुर का, वो भी कैंडिडेट है। तो इस बार किसको जिताना है? जेबी केसेस। अच्छा, जेबी केसेस का कोई हंसदा है ना, दामोदर हंसदा? जेबी केसेस का बहुत नाम सुन रहा हम लोग, जयराम महतो उसका नेता है। तो जेबी केसेस को क्यों चुनना चाह रहे हैं पहले बताइए? इसीलिए वो नीति नियम लगाएगा, इसीलिए थोड़ा नीति नियम के लिए थोड़ा बता रहा है, इसीलिए। जयराम महतो मैंने नौजवान नेता है, बहुत गरम गरम भाषण देता है, इसलिए क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, काम भी करेगा ना। तो जेबी केसेस का इधर है दामोदर हंसदा है कैंडिडेट, उनके पक्ष में इनका जाएगा वोट। जो इंडस्ट्री बेल्ट जो है, हाँ हाँ, इसमें किसी का ही, हम लोग का लोकल आदमी का किसी के कोई नौकरी में नहीं है। हाँ ठीक है, लोग ठेकेदारी में खट रहा है, कोई रेजाकुली में कोई परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट है तो यहाँ कोई भी नेता है तो आके दिखा दे कि वो कंपनी में परमानेंट आदमी है, तो हम मान जाएंगे। आप लोग डिमांड कर रहे हैं जेबी केसेस के नेता से कि इधर का जितना लोग उसको परमानेंट नौकरी दिया जाए ना? वो करेगा। करेगा ना? करेगा। तो सही बात बोल रहे हैं भाई साहब कि जो है परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए, क्या कि परमानेंट नौकरी मिले बहुत फैसिलिटी मिलेगा। घर में बैठा हुआ तो यहाँ पर तो क्या है, घर में बैठा हुआ आप जॉब नहीं करते हैं? आप नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, तो अभी कहीं भी जा रहा है? हाँ, बाजार में पूछिए कितना आदमी यहाँ नौकरी करता है, स्थायी नौकरी परमानेंट। वही तो है, इधर तो बोल रहे नौकरी नहीं कर। कंपनी में जाएगा, दो दिन काम कराएगा, बोलेगा अभी काम नहीं, जाकर बैठो। पैसा तो बाल बच्चा है, सब है, तो हम लोग कैसे चलेगा?
तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर चला जाते हैं। बाहर किधर जाते हैं? बाहर जैसे चेन्नई हुआ, इधर उधर चला जाता है। यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है? जॉब नहीं मिलता है, यहाँ दो दिन काम करता, दो दिन के बाद बोलता बाबू बैठो अभी काम है नहीं। तो जॉब देने का जो मुख्य काम किसका है? जॉब देने का है, जैसे चंपाई हो गया और भी सब कौन कौन है नेता, मोदी साहब का भी है, मोदी साहब का है। जो प्रधानमंत्री होता है उसका मुख्य जिम्मेवारी होता है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का होता है ना। हाँ, मुख्यमंत्री दोनों से आप डिमांड कीजिए है ना कि भाई जॉब ज्यादा से ज्यादा लोग को दो। मैंने सवाल है कि झारखंड सबसे अमीर राज्य है लेकिन यहाँ का जनता बहुत गरीब है, यहाँ के सब लोग बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, बहुत ही खराब बात है। कोई भी कंपनी जाएगा दो दिन काम करेगा बोलेगा काम नहीं है, जाइए यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई भी कंपनी जाइए, अब कोई नियम कानून नहीं है। एक बार गया मेरा दो दिन तबीयत खराब हो गया, हम गया कोई उमेका बोल के कंपनी में काम कर रहा था, दो दिन गया चार दिन में बोलता बाबू अभी काम नहीं बैठो, तुमको अगला महीना बुलाएगा, अगला महीना का तो छः महीना घर में बैठा हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरुचरण प्रधान। अच्छा, इधर कहाँ रहते हैं आप? मिरुडी में रहते हैं। मिरुडी में रहते हैं, बताइए आप समझ रहे हैं कि स्थानीय लोग को भी जो है यहाँ अस्थायी नौकरी नहीं दिया जा रहा है? अस्थायी नौकरी का बात तो छोड़िए, टेम्पररी नौकरी भी नहीं दिया जा रहा, दो दिन काम करवाता बैठा देता है। तो आज ये पूरे देश के साथ ही इधर भी ये बहुत बड़ा समस्या है जॉब का, नौकरी का। अगर नौकरी मिलेगा तो सब झारखंड छोड़कर क्यों दूसरा जगह जाएगा? तो झारखंड राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है भाई, सभी नेता को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ, अभी हाल में मेरा तबीयत खराब था, आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज करवा लिए। कहाँ पे करवाए इलाज? एमजीएम में करवाए, पूरा सीरियस केस था, तो सब मैंने आयुष्मान कार्ड से ही मेरा सब इलाज हुआ है। तो आयुष्मान कार्ड एक अच्छा काम है, ठीक है। अच्छा काम है, जॉब देना भी उनका काम है। जॉब बहुत, तो जॉब जो है, जॉब का जो अवसर बहुत कम हो गया है। और हम लोग का चावल भी मिल जाता है फ्री में। चावल फ्री का बात नहीं है, बात यह है भाई साहब कि अगर मान लीजिए आपको सब दिन जॉब मिलेगा तो आप 5 किलो चावल लोगे? नहीं लोगे ना। 5 किलो चावल में क्या होगा? 5 किलो राशन में क्या होगा? जॉब मिलता है तो बोलो, जब नौकरी मिलेगा। हाँ, जिसको नहीं कुछ है उसके लिए 5 किलो भी बहुत है, लेकिन अगर सही जगह जॉब मिले, ठीक मिले, तो 5 किलो राशन के लिए कोई जरूरी नहीं है। बोलेंगे बहुत कुछ हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया हम लोग गरीब के लिए। वो तो उसको बोलते हैं लोग, क्या जुमला बोलता है ना उसको, जुमला बोलता है। पहले बोला हम 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, इसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। दादा नमस्कार, थोड़ा बताइएगा आप कि इस बार जो है किसको जिताना आगे, गीता कोड़ा को या जोबा माझी को? जोबा माझी को। जोबा माझी को, अच्छा। तो आपका क्या नाम हुआ? जोगिंदर प्रसाद। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 2010 से। 2010, इस बार चुनाव हो रहा है 13 मई को, इधर वोट डाला जाएगा। आप बिहार के हैं कि यहाँ के हैं? बिहार का। बिहार का कौन जिला का? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट में किसको जिता रहे हैं आप लोग? वोट डालने जाइएगा, वहाँ हो गया सर। ओह, हो गया जी। हेलो, तो आप वोट डाल के आ गए? नहीं जा पाए सर। नहीं जा पाए, अच्छा। तो आपके नज़र में बताइए कि केंद्र में किसका सरकार बनना चाहिए? देखिए सर, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, अपना राय दीजिए क्या अच्छा रहेगा। मोदी सरकार 10 साल रहा ना जी, तो 10 साल के बाद बदलना चाहिए कि वही रहना चाहिए? मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे, तो मोदी जी को वोट डाले आप जी? चलिए, मोदी जी का समर्थक है। मोदी जी का कोई अच्छा काम बताइए एक तो। अब तो देख रहे हैं सर जी, हर चीज़ हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ ठीक है। अच्छा, बताइए भाई साहब इस बार वोट किसको देना है? बीजेपी के सर। बीजेपी को जी। आप रहते कहाँ? मिरुडी में। मिरुडी में, इधर कौन कैंडिडेट है बीजेपी का? ये तो अभी पता नहीं है। पता नहीं है, मोदी जी के नाम से वोट डालिएगा। मोदी जी का कोई अच्छा काम बताइए एक ठो, कोई अच्छा काम बताइए, जैसे आप उसका उसको वोट डालिएगा तो किस लिए डालिएगा ये बताइए, कोई अच्छा काम बताइए। देश के लिए जो सही काम कर रहा है उसी को तो देना है। तो वही तो पूछे, सही काम में एक काम बताइए। कश्मीर में लड़ाई हो रहा है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर में कहाँ लड़ाई हो रहा है? जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा कुछ लड़ाई वड़ाई। अच्छा, इधर में 13 मई को चुनाव होगा, वोट डाला जाएगा, इस बार किसको जिताना है? मोदी जी को जिताना है। मोदी जी का कौन है इधर कैंडिडेट? गीता कोड़ा है। गीता कोड़ा है, तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई? हाँ जी। तो मोदी जी को क्यों जिताइएगा, दो काम बताइए। उनका काम हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा। अरे, एक दो काम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे हम, जैसे बताए ना उदाहरण के लिए कौन सा अच्छा काम? उनका हमको बहुत सारा ऐसे काम अच्छा लगा, आपको क्या बताएं? ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आप मोदी का सपोर्टर है तो पूरा बोलना है कि कौन सा अच्छा काम है, एक बताइए। आगे देखिए, यहाँ पब्लिक देख रहा है, पब्लिक सुनेगा, आप बोल दीजिए खाली मोदी को हम वोट देंगे। अरे क्यों देंगे बताइए,
जैसे कि राम मंदिर भी बनाए हैं, उसके बाद आपका 370 भी हटाए हैं, उसके बाद आपका राम मंदिर 370 जो हटा उससे आपका रोजगार से क्या कोई मतलब है? रोजगार से कोई मतलब नहीं, लेकिन देश विकास कर रहा है उसके, वो राम मंदिर से देश विकास हो जाता है नहीं। तो देश विकास करता है रोजगार से, अच्छा शिक्षा से, अच्छा स्वास्थ्य से, रोड नाली सड़क से देश उससे विकास होता है, बढ़िया बढ़िया कॉलेज रहे, यूनिवर्सिटी रहे, है ना। मंदिर तो बहुत है यहाँ, मंदिर गली गली है ना। तो ठीक है उनका काम वो अच्छा, लेकिन दूसरा और भी काम बताइए। जैसे कि अभी हम लोग का रोड वोड भी ठीक है। हाँ, जैसे वो बोले थे हम 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देना भूल गए। मालूम है आपको ना, 2014 में 4 प्रोमिस किए थे कि 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, इसके बाद करप्शन को ख़त्म करेंगे, और जो करप्ट लोग है उसका जो पैसा छीन के लाएंगे गरीबों में बांटेंगे, है ना। तो आप तो करप्टेड आदमी जितना कांग्रेस या दूसरे दूसरे पार्टी में सब बीजेपी में शामिल हो जा रहा है, और कांग्रेस बीजेपी जो है नेता उसको स्वीकार करता है, उनका मंत्री भी बना देता है, उस पर क्या कहिएगा? बोलिए अच्छा काम है। वो देखिए तो अपना विचार है वो छोड़ के, आप देखिए पब्लिक के रूप से बोलिए। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई करप्ट आदमी है, वो कल तक दूसरे पार्टी में था, आज बीजेपी में चले आया, उसको आप शामिल भी कर लिए और मंत्री बना दिए। तो अपना आदमी अगर गलत कुछ करेगा तो आप कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? घर में आपका बाल बच्चा अगर कुछ गड़बड़ करेगा तब बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलेंगे, बोलेंगे ना। आपका बच्चा मान ली पढ़ने गया रात को 10-11 बजे रात को आ रहा है, बोलिएगा ना कहाँ गया? बोलेंगे। तो सपोर्ट जरूर कीजिए, लेकिन अच्छा काम के बारे में पूछिए उनसे, बोलिए जो करप्शन के खिलाफ आप बात करते हैं तो करप्ट लोग को अपना पार्टी में क्यों शामिल करते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन ये है सर, है ना। चुनाव इधर 13 तारीख को है लोकसभा का, और इधर कुछ कैंडिडेट है पार्टी का, बीजेपी का भी है, जेएमएम का है, तो किसको इस बार जिताने का है दादा? दादा जो अच्छा रहेगा उसी को जिताएंगे। कौन अच्छा रहेगा? पार्टी तो सभी पार्टी अच्छा है। कैंडिडेट कौन अच्छा है ये बताइए, जो वहाँ माझी की गीता कोड़ा। हम लोग बंगाल का है जी। अच्छा ठीक ना, बंगाल में किसको जिताना है ये बोल दो। बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। ममता दीदी को नहीं देना है? हाँ, क्यों बीजेपी को क्यों जिता रहे हैं? देखिए हम लोग, एक दो पॉइंट बताइए। देखिए हम लोग बंगाल से खाते नहीं है, झारखंड से खाते हैं, बंगाल में खिला नहीं पिला नहीं रहा, इसीलिए हम लोग झारखंड में खाते हैं, यहाँ से कमा के जाके खाते हैं। देखिए हमारा देश में ये नियम है संविधान में कि कोई कहीं भी रहेगा और कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। झारखंड है, बंगाल है, कुछ नहीं, बंगाल के बहुत सारे लोग यहाँ हैं और यहाँ से भी बहुत सारे लोग बंगाल गया हुआ है ना। तो जो आप वहाँ पर बंगाल में आप बीजेपी को जिता रहे हैं ना, तो बीजेपी को क्यों जिता रहे, एक दो ठो काम बताइए ना। काम सब काम अच्छा लगता है। सब काम मतलब क्या है, एक दो काम बताइए। काम जैसे घर के ऊपर छत दे दिया, घर के ऊपर छत दे दिया सर के ऊपर, और खाना पीने का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ रहा है। डीजल था पहले, डीजल था 55 रुपया, 100 रुपया पार हो गया, पेट्रोल भी पार हो गया, रोजगार नहीं है। रोजगार भी तो आदमी का कमाई बढ़ रहा है। कमाई कैसे बढ़ रहा है बताइए हमको, एक चीज़ बताइए। कोई यहाँ कितना भी काम करेगा ना तो 500 रुपया से एक दिन में ज़्यादा नहीं देगा, तो 15,000 हुआ महीना में, 15,000 में घर चल जाएगा? वो तो नहीं चल रहा है, कैसे भी करके एग्जिस्ट करके चल रहा है। दोस्तों अभी हम एक ऐसे सज्जन के पास मौजूद हैं जो ये रांची में रहते हैं, थोड़ा रांची में नहीं रहते हमको, मेरा रांची रांची लोकसभा क्षेत्र में इनका आता है। तो आप क्या इधर चांडिल में रहते हैं क्या? इचागर चांडिल चांडिल का आगे में। हाँ ठीक है, उधर में बीजेपी का कैंडिडेट संजय सेठ है, कांग्रेस का वो जो सुभद्रा है ना, सुभद्रा का बेटे को दिया टिकट। अच्छा अच्छा। और जेबी केसेस का देवेंद्र महतो, तो क्या किसको जिता रहे हैं? नहीं आने का तो इस बार संजय सेठ ही आएगा। संजय सेठ ही आएगा? हाँ। तो आप लोग उधर संजय सेठ को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। संजय सेठ संजय सेठ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी के बारे में बताइए एक दो काम। नहीं एक दो काम क्या, काम तो बहुत सारा किया है, ऐसा बात नहीं, एक दो काम बताइए ना, तब ना अच्छा लगेगा सुनने में। महिला को उज्ज्वला योजना मिला, मेरे को भी मिला है। पीएम आवास जो मेरे को मिला है, और पीएम किसान जो है वो भी मेरे को मिलता है। 500 रुपये मिलता है? 500 क्या, 4 महीना 2,000 रुपये मिलता है। अच्छा ठीक है, वो भी मिलता है। तो आप किसान है क्या है अभी? हाँ किसान है। किसान है ना? अच्छा अच्छा, किसान। ये एक चीज़ बताइए हमको, रोजगार का अवसर जो है पहले से बहुत कम हुआ, रोजगार नहीं मिल रहा नौजवान लोग के बारे
लोग को, इसके बारे में क्या कहें? हम तो लिखा पढ़ा नहीं, पहले जैसा था आज भी ऐसे ही। अच्छा, मेरा ना नुकसान हुआ ऐसा नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा फायदा ही हुआ। फायदा तो होगा ही, किसी न किसी सरकार से तो फायदा होगा ही। तो हाँ, कैसे हम बोलेंगे कि रोजगार नहीं होता? रोजगार तो ठीक है, आपका रोजगार किसानी है। हाँ किसानी है, लेकिन तो मेरा नुकसान नहीं है। हाँ, मेरा नुकसान नहीं है। किसान लोग को नुकसान क्या होता है बता रहे हैं, जब उसका टमाटर, जब उसका बैगन पक जाता है, जब मार्केट में लेके आता है ना, जो 20 रुपए किलो टमाटर बिक्री होता है, किसान से 5 रुपए खरीद लेता है, ये नुकसान होता है कि नहीं? हम तो जाते हैं रांची रोड में तो बहुत जगह तमार उमार ये साइड में देखते हैं, और बहुत जगह जो रोड पर जो टमाटर फेंक के भाग जाता है लोग। हाँ, क्यों भाग जाता है? क्योंकि उस समय टमाटर रेट इतना कम कर देता है। हाँ, किसान को पोसा ही नहीं होता। हाँ, बात सही है, है ना? ये तो सरकार से डिमांड नहीं करना होगा आप लोग किसान के रूप में, तो किसान को बोलना है कि अगर टमाटर उत्पादन में आपका अगर 10 रुपया लगता है, सब कुछ उत्पादन किए अब मार्केट में लाएं आप, ठीक है, तो उसका 10 रुपया लगता है एक किलो का, तो आपको मिलना चाहिए कम से कम 15 रुपया, लेकिन मिल रहा आपको 5 रुपया। ये कौन बोलेगा? आप किसान नहीं बोले तो कौन बोलेगा? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो सब जगह बोलना है, नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, ये बोलना है, हम क्या बोलेगा? अच्छा चीज बोलेगा तभी मिलेगा ना, नहीं मांगेगा तो थोड़ा कोई देगा। बच्चा भी भूख लगता है ना, तो दूध पीने के लिए रोता है, तब माँ सोचता है बच्चा रो रहा है, भूख लगा है ना, दूध पिलाता है। तो अच्छा नागरिक होने के नाते हमको हर एक अपना समस्या सरकार को बताना चाहिए, है ना? यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ एक गीता कोड़ा है बीजेपी से कैंडिडेट, और जोबा माझी है, किसको वोट दीजिएगा? किसको देंगे? जोबा माझी को देंगे। जोबा माझी से भेंट उठ हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है। मैंने सुने उसके बारे में? हाँ सुने हैं। जो बाजार का हम लोग सर्वे देख रहे हैं, इस बार चुनाव में बहुत कड़ा टक्कर होगा जवाब माझी और गीता कोड़ा में। तो वोट इस बार किसको देने जा रहे हैं? वोट किसको देंगे? अब सब तो नेता सब मिल गया है, किसको दे वोट नहीं दे समझ में नहीं आता है। सब करप्ट लोग मिल गए। हाँ, और उसके बाद मेरा आधार कार्ड भी खो गया, अब बनाने जाते हैं तो बोलता है 500 लेंगे, 400 लेंगे, 300 लेंगे। वोटर कार्ड बनाए कि नहीं? नहीं बनाए। आपका तो बहुत पहले बन गया होगा वोटर कार्ड। अरे बना है तो ट्रेन में आ रहा था, गुम हो गया था। गुम हो गया? हाँ। अच्छा, अब उसके बनाने गए तो बोलता है कि नहीं 500 लेंगे। अच्छा। 400 लेंगे, ये तो गलत बात है।